केरला की गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना वायरस पर वीडियो का इस्तेमाल किया। जी हां, इस वक्त ये वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रही है और लोग काफी केरला गवर्नमेंट की तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस पर लोगों की मदद करने की कोशिश करी। कुछ ट्वीट के हिसाब से अगर पता लगाने की कोशिश करें तो केरला की गवर्नमेंट ने लोगों को चावल, दाल, आटा जैसी चीजों को आम कर दिया और लोगों के घरों तक पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयान को 24 घंटे भी नहीं हुए थे ये कहते हुए कि भीड़भाड़ जैसे इलाकों से दूर रहो, वहीं बीजेपी के कुछ मंत्री रैली का हिस्सा बनते हुए दिखे और काफी बड़े मजमे के साथ रैली निकालते हुए भी दिखाई दिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर स्टेट ने अपनी तरफ से एक नंबर भी जारी किया है। मैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा, या अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से उसकी वेबसाइट से उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसमें हर स्टेट वाइज नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखे कोरोना वायरस से होते हुए तो इस हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, वहां से आपके लिए जरूर मदद आएगी। एनआरसी पे हो रहे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट की खबर के बारे में बात करें तो इस वक्त वहां पर बुजुर्गों और बच्चों को हटा दिया गया है। जितना हो सकता है जवान प्रोटेस्ट में अभी भी बैठे हैं, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट करने से मना किया गया है। लोग शिफ्ट चेंज कर रहे हैं ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। बेबी डॉल गाना गाने वाली कनिका कपूर, एक बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर है, उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, लखनऊ में रहने वाली कनिका कपूर कल अपने आप को अपने परिवार के साथ आइसोलेट करती हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने कनिका कपूर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है उनकी इस परवाही की वजह से कि जब 4 दिन से उनको जुखाम, सर्दी, बुखार था तो उन्होंने 5-स्टार होटल्स में मंत्रियों के साथ खाना डिनर क्यों किया। जी हाँ, इस खबर के बाद कुछ मंत्रियों ने भी अपने आप को आइसोलेट कर दिया इस डर से कि कनिका के साथ खाना खाने की वजह से कहीं उनको भी कोरोना वायरस ना हो जाए, और इस चक्कर में 12 से ज्यादा मंत्रियों ने अपने आप को आइसोलेट करवा लिया। कोरोना वायरस पर लाइव अपडेट की बात माने तो अभी तक 250 से ज्यादा कोरोना वायरस के इंडिया में केस पाए जा चुके हैं। कल की खबर के मुताबिक इटली में 600 से ज्यादा मौतें हर रोज इस वायरस की वजह से हो रही हैं। इंडिया में डॉक्टरों की ये राय है लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेलजोल बंद रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, इससे आप डॉक्टरों की मदद कर सकेंगे क्योंकि इंडिया में इतने डॉक्टर नहीं हैं कि आपका इलाज सही तरीके से किया जा सके। उनकी नसीहत के मुताबिक जितना हो सके अपने घरों में रहें और ऐसा करके आप लोगों की और डॉक्टरों की मदद करेंगे। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।